हेलो। तो यहाँ पे मैं कोरोना वायरस और सार्स को टू वायरस की लाइफ साइकिल यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड आई विल एक्सप्लेन दिस इन फ्यू स्टेप्स। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस। तो नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट दी स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। तो ये जो है यहाँ पे ये स्पेरिकल फॉर्म में कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है आप सभी को, और आपको ये पता है। और यहाँ पे ये जो पोर्शन यहाँ पे, दिस इज़ द पोर्शन ऑफ सेल और होस्ट सेल वी कैन सी हियर, एंड दिस इज़ द मेम्ब्रेन और दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है ये सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन है, और जो इनर पोर्शन है दिस इज़ द साइटोप्लाज्म। तो दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन, एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन हियर देर इज़ दैट कोरोना वायरस। एंड सेल मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, विच आर दैट इज़ द सेलुलर रिसेप्टर्स। एंड द स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस सेलुलर रिसेप्टर्स इज़, सो द नेम ऑफ दैट सेलुलर रिसेप्टर्स टू विच दैट कोरोना वायरस बाइंड्स, दैट रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टू, और इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड एज ACE2 फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज़ फॉर सार्स को टू और सार्स को, और अभी जो पैंडेमिक चल रहा है दैट इज़ दी सेलुलर रिसेप्टर्स फॉर द बाइंडिंग ऑफ दिस कोरोना वायरस। एंड देर इज़ द प्रेजेंस ऑफ डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेस 4 और DPP4 फॉर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और दैट इज़ मर्स को, एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन दी मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल्स विच एक्सप्रेसेस दिस ACE2 और दैट इज़ कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। सो यहाँ पे आप ख्याल में रखिए कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है होस्ट सेल की, जो इस सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है दिस रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज ACE2 और एंजियोटेंसिन एंजाइम 2। सो दीज आर दी सेलुलर रिसेप्टर्स टू विच दैट प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी सर्फेस ऑफ कोरोना वायरस दैट इज़ कॉल्ड एज, और वी कैन से सिंपली दीज आर दी स्पाइक्स और यस प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन दिस कोरोना वायरस और सर्फेस ऑफ कोरोना वायरस। तो ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं यहाँ पे ये यस प्रोटीन्स है, एंड दिस यस प्रोटीन्स और स्पाइक्स ऑफ कोरोना वायरस ये बाइंड होते हैं सेलुलर रिसेप्टर्स को या फिर ACE2 को इन केस ऑफ दिस COVID-19। सो दिस इज दी रिसेप्टर बाइंडिंग, देन वायरल एंट्री एंड फ्यूजन ऑफ दी मेम्ब्रेन। तो ये एक स्टेप हो गई, मतलब जब और वेन दैट वायरस कोरोना वायरस इन्फेक्ट दी होस्ट सेल। कोरोना वायरस जब होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये पहली प्रोसेस यहाँ पे है, ये जो प्रोटीन के स्पाइक है और जिसे हम यस प्रोटीन्स कहते हैं जो कोरोना वायरस के सरफेस पे प्रेजेंट है, ये सेलुलर रिसेप्टर से, और उस रिसेप्टर का नाम है SEE2 और दैट इज़ द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स और एंजाइम रिसेप्टर्स हियर। सो दिस स्पाइक्स गेट बाइंड टू दिस रिसेप्टर्स और ACE2 रिसेप्टर्स, और ये फ्यूजन मेम्ब्रेन फ्यूजन यहाँ पे हो गया। उसके बाद व्हेन वायरस एंटर्स इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म, सी दिस इज दिस पोर्शन इज हियर, इट इज ऑफ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म का पोर्शन है पूरा। सो व्हेन दैट वायरस एंटर्स इन दिस साइटोप्लाज्म और दैट वायरल RNA लेटर ऑन रिलीजेस इन साइटोप्लाज्म। कोरोना वायरस इट इज द RNA वायरस, और यहाँ पे ये वायरल RNA रिलीज हो गया, एंड देन लेटर ऑन सो दिस इज दी जीनोमिक RNA और इट इज़ द पॉजिटिव सेंस RNA। सो दिस RNA मॉलिक्यूल और वायरल RNA मॉलिक्यूल, सो इट सिंथेसाइजेस दी प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज वायरल पॉलीमरेज प्रोटीन विच इज़ नेसेसरी फॉर द ट्रांसलेशन। सो आफ्टर सिंथेसिस ऑफ दिस वायरल पॉलीमरेज प्रोटीन बाय दिस जीनोमिक RNA और पॉजिटिव सेंस RNA, तो उसके बाद में यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है ये RNA का,
So RNA replication will take place here, and then there is a genomic RNA, negative sense RNA will be formed. तो ये हो गया जीनोमिक आरएनए, मतलब आरएनए का फर्स्ट रेप्लिकेशन हो गया है. पहले तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, यहाँ पे वायरल पॉलीमरेज प्रोटीन तैयार हो रहा है. तो ये पॉलीमरेज प्रोटीन क्या करेगा, बाद में आरएनए रेप्लिकेशन को कैरी करेगा, या फिर आरएनए रेप्लिकेशन वहाँ पे हो जाएगा, एंड देन जीनोमिक आरएनए और दैट वी कैन से या डॉटर आरएनए विल बी फॉर्म हियर. सो दिस आर दी सब जीनोमिक और जीनोमिक आरएनए विच आर नाउ पॉजिटिव सेंस्ड, एंड देन दिस जीनोमिक आरएनए लेटर ऑन. So this genomic RNA later on, so there is a RNA replication and packaging will be takes place here, and transcription होने के बाद, so RNA यहाँ पे तैयार हो गया, उसके बाद उसका transcription वहाँ पे हो जाएगा, and then अलग अलग प्रकार के जो proteins है वो proteins वहाँ पे तैयार हो जाएंगे. For example, this nucleocapsid will be formed here, which is indicated simply by N. Then membrane will be formed, so this color membrane, and then envelope will be formed. So in this way that different structures are formed here, and that later on that S or spike will be formed here. So coronavirus के ये जो अलग अलग portions है, ये पूरे portions यहाँ पे तैयार हो रहे आर एन ए रेप्लीकेशन एंड पैकेजिंग, मतलब सो आफ्टर इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. सो उसके बाद न्यूक्लियो कैप्सिड का ट्रांसलेशन वहाँ पर हो जाएगा, एन प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ एन प्रोटीन, एंड सी दिस इज द साइमल्टेनियसली आर एन ए रेप्लीकेशन एंड पैकेजिंग विल बी देयर. सो देर इज So this is the packaging or RNA replication and packaging. Now later on the other side here, so there is a translation of all these proteins will take place here. That is called as viral structural proteins. So this translation of viral structural proteins, it is takes place in endoplasmic reticulum. So this is the endoplasmic reticulum here, and later on, so these are the, that is spikes which are green color. So this is about the membrane and this is the envelope. So we can see here arrangement will be there or packaging will be there, and this is the complex here, endoplasmic reticulum Golgi complex here. So that complex later on, so in this way there is a assembly of these virions, we can say, or that coronaviruses will take place here. That is assembly and budding in endoplasmic reticulum as well as in Golgi complex. And then later on there is a mature virion will be formed. So this is the mature coronavirus is there, and later on this virus will be releases outside of this cell, which is ready to infect the new host cells. तो इस प्रकार ये viral replication coronavirus का यहाँ पे होता है, that is inside the cell. और अभी आपके ये यहाँ पे समझ में आया होगा कि cell membrane पे रिसेप्टर को बाइंड होने के बाद यहाँ पे मेम्ब्रेन फ्यूजन तैयार होके जो वायरल आरएनए वहाँ पे रिलीज होता है, उसके बाद रेप्लिकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन, ऑल दीज प्रोसेसेस दीज आर टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म, एंड देन लेटर ऑन देयर इज द रिलीज ऑफ दिस वायरस हियर नाउ विच इज रेडी टू इन्फेक्ट द न्यू होस्ट सेल्स. सो इन दिस वे दैट वायरस साइकिल विल बी रिपीटेड. देन just see the description of this diagram here. I will just reading that diagram, explanation of that diagram here, just one minute. See here, life cycle of highly pathogenic human coronaviruses or COVs and specific neutralizing antibodies, that is, I am not going to explain this diagram here. So here life cycle of highly pathogenic human COVs, these coronaviruses enter host cell by first binding to their respective cellular receptors, which are called as angiotensin converting enzyme 2 or ACE2 for severe acute respiratory syndrome or SARS-CoV-2 or SARS coronavirus, or and dipeptidyl peptidase 4, or in short it is called as DPP4 for Middle East Respiratory Syndrome or MERS-CoV on the membranes of host cell, which expresses this angiotensin converting enzyme 2. And the name of that host cells, these are nothing but the pneumocytes, then enterocytes or DPP4, for example liver or lung cells, including these different types of cells here.
HUS7, then MRC5 and CALU3, and these are get binded via the surface spikes or S proteins, which are part of the coronavirus, which mediates virus cell membrane fusion and viral entry. So binding of these S proteins or spike to the angiotensin converting enzyme 2 receptors mediates or initiates virus cell membrane interaction or fusion and later on entry of that virus inside the host cell. Then this viral genomic RNA is released and translated into a viral polymerase proteins. Then negative sense genomic RNA is synthesized and it acts as a template to form a subgenomic or genomic positive sense RNAs. Then viral RNA and nucleocapsid structural proteins are replicated. Then these are transcribed or these are synthesized in the cytoplasm, whereas other structural proteins, for example that S proteins or spikes, then membrane and envelope, these are transcribed, then translated in the endoplasmic reticulum and then transported to the Golgi complex. And then the viral RNA N complex and S, M and E proteins, these are further assembled in endoplasmic reticulum Golgi, that is Golgi complex, in or intermediate compartment, which is called as ERGIC, to form a mature virion. And then this mature virion, it is released from the host cell and it again infect new host cells. So this cycle will be repeated. So this was about the that life cycle of a coronavirus. So if any difficulty, you can ask. Thank you.